हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ बायोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की भी यही सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है और अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ेंगे उतना नहीं ध्यान देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोगों का सौ नहीं पूछता है अब केवल साठ ही पूछता है अब हम लोग का अधिकतर सब्जेक्टिव दुगिना पूछता है दो पूछता है उसमें एक बनाना है अर्थात कि सब्जेक्टिव में कोई नियम नहीं लागू हुआ है सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही लागू हुआ है कि सौ से हटाकर साठ ही पूछा है तो सब्जेक्टिव जितना आता था उतना ही एगा इसीलिए हम लोग एक सब्जेक्टिव चुने हैं बायोलॉजी में कि इतना सब्जेक्टिव में से इतना ही आएगा तो हम यहाँ पर लगभग कितना पैंतालीस पैंतालीस सब्जेक्टिव देखेंगे पैंतालीस सब्जेक्टिव में से आप लोगों का बायोलॉजी का सब्जेक्टिव देखेंगे और पैंतालीस सब्जेक्टिव में से आप लोगों का ही आ जाएगा बायोलॉजी में अब इतना पैंतालीस अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों को बायोलॉजी से अब ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा इससे और सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव निकलता है चलते हैं अपने पहले सब्जेक्टिव की ओर पहला क्वेश्चन हम हम लोग का इम्पोर्टेंट है कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्या है इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें प्रकाश संश्लेषण क्या है इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें दूसरा जाइलम तथा फ्लोयम में क्या अंतर है तीसरा समझात अंग से आप क्या समझते हैं उदाहरण दीजिए चौथा आहार श्रृंखला क्या है एक स्थलीय आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए पांचवा उत्सर्जन की परिभाषा दीजिए और उत्सर्जित पदार्थ क्या है छठा जल संरक्षण के क्या उपाय हैं सातवा रक्त के दो कार्य लिखे आठवा श्वसन एवं दहन में कोई दो अंतर लिखिए नौवा जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है दसवा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं ग्यारहवा स्वपोषी एवं विषम पोषित पोषण में क्या अंतर है बारह पादप हार्मोन क्या है दो पादप हार्मोनों के नाम लिखे तेरह गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं चौदह स्वप्रागर तथा तो परागण में अंतर लिखिए पंद्रह धनी तथा तो शिरा में दो अंतर लिखिए सोलह ओजन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है सत्रह वायव्य तथा अवायव्य शोषण में क्या अंतर है अठारह ऋतुस्राव क्यों होता है उन्नीस पोषी स्तर क्या है एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए बीस तंत्रिका तो उत्तर कैसे कार्य करता है इक्कीस जीवाश्म क्या है जैव विकास प्रक्रम के विषय के बारे में क्या बतलाता है बाईस परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है तेईस मुकुलन क्या है चौबीस वास्तवशोधन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है पच्चीस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न भी जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न भी मार्ग क्या है छब्बीस पीत क्या है मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है सताइस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं अठाईस अपने विद्यालय को पर्यानुकृत बनाने के लिए दो सुझाव दे उनतीस पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है तीस किरोन क्या है यह कहाँ होता है इकतीस श्वसन और प्रकाशन संश्लेषण में अंतर स्पष्ट करें बत्तीस पैरामिशिया में भोजन कैसे पहुंचता है और हम आप लोगों से कह दे रहे हैं कि और बत्तीस क्वेश्चन होगा और हम लोगों का बत्तीस दस बयालीस तीन पैंतालीस तेरह क्वेश्चन और होगा और इस पैंतालीसों क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेते हैं तो बायोलॉजी को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है और बायोलॉजी का आप लोगों का क्लियर हो जाएगा साइंस में फिर केमिस्ट्री बायोलॉजी से पूछता है और बायोलॉजी का स्टम क्लियर हो जाएगा बायोलॉजी क्लियर हो जाएगा तो बायोलॉजी पर ध्यान नहीं देना तो बुक अब आप लोग पूरा बुक पढ़िएगा नहीं एकदम भी इंपॉर्टेंट है, है। देखिए यहाँ पर काल क्लास टेंथ बायोलॉजी वी वी आई सब्जेक्टिव क्वेश्चन फोर्थ दो हज़ार तेईस वी वी आई सब्जेक्टिव लिखा है किसके लिए तो दो हजार तेईस के लिए अगर आप लोग पैंतालीसों क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आप लोगों का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं है छुटेगा इसके अलावा एक भी अदर क्वेश्चन नहीं है दूसरा दूसरे जगह से क्वेश्चन इसके अलावा नहीं आएगा तो चलिए हम लोग का बत्तीस हो गया तैंतीस नंबर पर चलते हैं तैतीस जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है चौंतीस दीर्घ रोम या बिल्ली क्या है इसका क्या कार्य है पैंतीस एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहा जाता है छत्तीस प्रकाशानुवर्तन क्या है सैंतीस से, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं अड़तीस रक्त एवं रसिका में अंतर लिखिए उनचालीस नर तथा मादा जनन हार्मोनों के नाम एवं कार्य लिखिए चालीस परिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य है इकतालीस है जीवाश्मों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है बयालीस पुनर है पुनरुद्भवन या पुनर्जन किसे कहते हैं तैंतालीस डी एन एवं आर एन ए में अंतर लिखिए चौवालीस है वन जीवो के संरक्षण के किन्हीं दो विधियों को लिखी है पैंतालीस प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है तो आ, आज हम लोगों का अब पैंतालीसों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आप लोग को दिमाग में चल रहा होगा कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा तो आप लोग कमेंट में हमें बताइएगा कि आंसर चाहिए तो हम इसका एक एक कर कर सभी का आंसर दे देंगे का कि ये पैंतालीसों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है पैंतालीसों क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है पैंतालीसों क्वेश्चन को कर लेंगे तो आप लोगों का बायोलॉजी से टेंथ के एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा और ये सब क्वेश्चन हम एकदम अपने भाषा में और शॉर्ट में छोटा में लिखे हैं चूँकि आप लोगों का सुझाव हाँ होगा तो हम आप लोगों के लिए आंसर लिखेंगे लेकिन आप लोगों को उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा चूँकि हम लोग पैंतालीस क्वेश्चन पढ़ लिए और पैंतालीस क्वेश्चन जरूर है कि पैंतालीस क्वेश्चन में से आएगा आप लोगों का क्वेश्चन कितना आएगा पैंतालीसें क्वेश्चन में से सब्जेक्टिव में से आ भी आ जाएगा और दो नंबर वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा पाँच ही नंबर वाला में पैंतालीस क्वेश्चन में से सिर्फ समझ गए ना तो पैंतालीसों क्वेश्चन का आप लोगों का एकदम तैयारी करना है आप उन्होंने आप से भी ली हो सकता है तो अपने आप भी लिख सकते हैं इसको अपने आप भी आंसर जो कर लिख सकते हैं लेकिन आप लोग कहेंगे तो हम इसको अपने भाषा में मतलब कि आसान भाषा में और छोटा में शॉर्ट में आप लोगों को आंसर दिया देंगे हम एकदम तो आप लोगों को याद करने में कोई कठिनाई भी नहीं होगी लेकिन आप लोग कहेंगे तब तो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का यह वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के वीडियो फिजिक्स का केमिस्ट्री का हिस्ट्री का ज्योग्राफी का हिंदी का संस्कृत का वी वी सब्जेक्टिव पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अब की बार इसका आंसर लाएं कि या और फिजिक्स का वी वी आई सब्जेक्टिव लाएँ और कहिएगा तो हम दोनों ला देंगे लेकिन वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जा, से ज़्यादा फैलाइए चूँकि हम लोग वीडियो को लाएंगे और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद